बजट 2023 के बाद सबसे ज्यादा कंफ्यूजन हुई स्टैंडर्ड डिडक्शन में। सभी को लग रहा है स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 से बढ़ाकर कर दी गई है 52,500। तो आपकी ये कंफ्यूजन इस वीडियो में दूर कर रही हूँ और साथ ही आपको एक टैक्स कैलकुलेटर भी फ्री में दूंगी। तो मेक श्योर वीडियो को एंड तक देखना, छोटी सी वीडियो है, फटाफट आपको समझा दूंगी कैसे बन रहा है 52,500 और कितनी एक्चुअल है स्टैंडर्ड डिडक्शन। मेरी वीडियोज अच्छी लगती है तो लाइक सब्सक्राइब एंड बेल आइकन जरूर प्रेस करें। बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ और इस वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हैं अपने कम्युनिटी में, व्हाट्सएप, ट्विटर एंड टेलीग्राम पर। मोबाइल आपके हाथ में है, ब्राउजर पे टाइप करिए studybuddy.com। यहाँ पे हमारे इंपॉर्टेंट कोर्सेज एक्टिव हैं, इनके बारे में डिटेल में मैं डिस्कशन करूंगी। कन्फ्यूजन का रीजन जानते हैं। मैंने ओपन कर रखी है बजट स्पीच जो निर्मला सीतारमन जी ने प्रेजेंट करी थी 1 फरवरी को। उसमें जब ये इस पॉइंट पे आई ना, माई थर्ड प्रपोजल पर्सनल टैक्स के लिए, माई थर्ड प्रपोजल इज फॉर द सैलरीड क्लास एंड द पेंशनर्स इंक्लूडिंग फैमिली पेंशनर्स फॉर हुम आई प्रपोज टू एक्सटेंड द बेनिफिट ऑफ स्टैंडर्ड डिडक्शन टू द न्यू रिजिम। अभी इस लाइन को अगर आप भूल जाओगे तो इसका मतलब क्या बना कि मैं प्रपोज कर रही हूँ कि सैलरी क्लास और फैमिली पेंशनर्स को बेनिफिट दे दूं नए रिजिम में स्टैंडर्ड डिडक्शन का, जो पहले नहीं मिलता था। नए रिजिम में पहले सैलरी की स्टैंडर्ड डिडक्शन जो 50,000 थी वो अलाउड नहीं थी लेनी, और फैमिली पेंशन की भी जो स्टैंडर्ड डिडक्शन थी सेक्शन 57 में वो भी अलाउड नहीं थी लेनी। तो गवर्नमेंट ने उन दोनों डिडक्शंस को अब नए रिजिम में ऐड कर दिया है। और उसके बाद जो कंफ्यूजन दी ना इस लाइन ने दी, ईच सैलरीड पर्सन, हर एक सैलरी वाला पर्सन विद एन इनकम ऑफ 15.5 लाख और मोर, जिनकी इनकम 15.5 लाख या उससे ज्यादा है, उनको बेनिफिट होगा इससे बाय 52,500। तो सभी को लगा स्टैंडर्ड डिडक्शन कर दी है 52,500, जबकि ऐसा नहीं है। अब ये कैलकुलेशन भी मैं आपको समझाती हूँ, या मैंने कैलकुलेशन शीट बना रखी है, ये कैलकुलेशन शीट भी टेलीग्राम पे हम डाल देंगे तो आप वहां से ले सकते हो। और टैक्स कैलकुलेटर भी हमने बना रखा है, मैं दिखाती हूँ टैक्स कैलकुलेटर आपको। ये इसमें बस आपको अपनी यहाँ ग्रीन सेल्स में डिटेल्स एंटर करनी है और आपका टैक्स नए और ओल्ड दोनों रिजीम के साथ कैलकुलेट हो जाएगा, और आपको ये भी बताएगा आपके लिए कौन सा रिजीम बेटर है। ये कैलकुलेटर टेलीग्राम से आप ले लो, वहां पे शेयर हो चुका है। चलिए अब समझते हैं 15,50,000 की ये 52,500 की कैलकुलेशन। तो मैंने यहाँ पे ना दो ईयर लिए हैं, 22-23 फाइनेंशियल ईयर और 23-24 फाइनेंशियल ईयर। अगर मैं बजट से पहले के ईयर की बात करूं, अगर कोई पर्सन, मान लीजिए राम है, ये राम का टैक्स कैलकुलेशन है, राम की सैलरी फाइनेंशियल ईयर 22-23 में भी 15.5 लाख थी और राम को लग रहा है कि मेरी 23-24 में भी सैलरी 15,50,000 ही रहेगी, वो मेरे पास आ रहा है और कह रहा है कि मुझे ये बताओ अब मुझे जो ये बजट अनाउंसमेंट हुई है उसके बाद कितना टैक्स भरना है। वो भी कंफ्यूज है, वो कह रहा है मुझे तो स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल गई है 52,500 की। तो अब मैं उसको कैलकुलेट करके समझा रही हूँ, मैं उसको बोल रही हूँ कि पहले तो आप अपने इस साल का टैक्स समझो 22-23 का। आपकी सैलरी है 15,50,000, नए रिजीम में आप जा रहे हो क्योंकि आपने कोई भी सेविंग नहीं कर रखी है, तो आपको 50,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन यहाँ पर नहीं मिलेगी, स्टैंडर्ड डिडक्शन हो जाएगी जीरो। तो आपकी इनकम अभी भी कितनी रही, टैक्सेबल इनकम 15,50,000, और आप कोई भी सेविंग नहीं करते हो तो आपकी यही इनकम है। अब नए स्लैब के हिसाब से जो हमारा पिछले साल था, 2.5 लाख तक की इनकम एग्जाम थी और 2.5 लाख का गैप यहाँ था और 5% का टैक्स रेट में गैप था, तो मैंने उसको 15,50,000 पे टैक्स निकाला। 2.5 लाख तक तो जीरो हो गया टैक्स, 2.5 से 5 लाख तक यानी 2,50,000 पे 5% टैक्स निकला 12,500, अगले 2.5 लाख पे 10%, अगले 2.5 लाख पे 15%, अगले 2.5 लाख पे 20%, अगले 2.5 लाख पे, 2.5 लाख का फर्क है ना, ये टैक्स कैलकुलेशन ऐसे ही होती है, ठीक है। और उसकी सैलरी है 15 लाख से ज्यादा, तो 15 लाख से अबव पे 30% रेट है, यानी कि यहाँ 15 लाख तक तो 25% में आ गया, वो 50,000 पे उसका 30% और टैक्स है। तो ये सारा टैक्स निकल गया, इनको आप करोगे मल्टीप्लाई तो यही टैक्स बनेगा, 2.5 लाख पर 5% 12,500, 2.5 लाख पे 10% 25,000, 2.5 लाख पे 15% 37,500, 2.5 लाख का 20% 50,000, 2,50,000 का 25% 62,500 और 50,000 का 30% आएगा 15,000। इन सब का अगर आप टोटल करोगे तो वो बनता है 2,02,500। तो मैंने राम को बता दिया कि अभी आपका जो टैक्स बनेगा नए रिजिम में वो बनेगा 2,02,500 फाइनेंशियल ईयर 22-23 के लिए। तो अब राम ने कहा ठीक है, मेरा ना अगले साल के लिए भी इसी इनकम पे निकालो टैक्स। तो मैंने कहा ठीक है, आपकी सैलरी तो इतनी रहेगी 15,50,000, इसमें से स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस करनी है 50,000। तो राम अब यहाँ पे अटक गया,
कह रहा है कि 52,500 दी है डिडक्शन, तो मैंने उसको समझाया कि नहीं, वो लिखा ये है कि नए रिजीम में आने पर पहले स्टैंडर्ड डिडक्शन अलाउड नहीं थी, अब वो अलाउड कर दी गई है, उसकी अमाउंट को चेंज नहीं करा है, वो 50,000 ही है। और साथ ही एक और नई डिडक्शन ऐड करी गई है फैमिली पेंशन पे, जो सेक्शन 57 की डिडक्शन मिलती है ना 15,000 और 1/3 ऑफ पेंशन विच एवर इज लोअर, वो भी अलाउ कर दी गई है। और एक और नई डिडक्शन अलाउ करी गई है अग्निवीर डेट फंड में अगर इंप्लॉयर कंट्रीब्यूशन करेगा, ठीक है। तो अब मैंने राम को समझाया कि आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन अब से नए रिजीम में मिलेगी, पर 50,000 ही मिलेगी, तो आपकी टैक्सेबल इनकम रह गई 15,00,000। साथ ही नए रिजीम में एक और बेनिफिट हुआ कि 3,00,000 तक की इनकम गवर्नमेंट ने एग्जम्प्ट कर दी, पहले 2,50,000 की थी ना, वो 3,00,000 की कर दी, यहाँ पे उसका 3,00,000 तक पे टैक्स हो गया जीरो। अगले 3,00,000 से 6,00,000 यानी कि अगले 3,00,000 पे उसका टैक्स बनेगा 5%, 15,000। इससे अगले 3,00,000 पे 3,00,000 का डिफरेंस है नई स्लैब में इस बार 10%, अगले 3,00,000 पे 15%, और उससे भी अगले 3,00,000 पे, क्योंकि उसकी इनकम एग्जैक्ट 15,00,000 ही बच रही है ना टैक्सेबल, 20%। तो ये सारा टैक्स निकल गया, इसको जब हमने टोटल करा ये आया 1,50,000। अब मैंने उसको समझाया, अब आपका जो पिछले साल का टैक्स है और जब नए बजट अनाउंसमेंट के बाद टैक्स बनेगा उसमें डिफरेंस आ रहा है 52,500। यही समझाना चाह रहे थे बजट में, ठीक है, बट बजट में आपको इतनी कैलकुलेशन करके तो वो नहीं बता सकती थी, इसीलिए बजट में, क्योंकि कुछ एकदम से फ्लो में बोला जाता है बजट, तो कुछ चीजें सुनने में कई बार हमें कंफ्यूजन हो जाती है, इसीलिए हमेशा हमें बजट के बाद जो मेमोरेंडम आता है ना उसको जरूर पढ़ना चाहिए, ठीक है। मेमोरेंडम भी ऑलरेडी मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल चुकी हूँ, आप कुछ नहीं करना, आपको सिंपल मोबाइल उठाओ, अपना प्ले स्टोर पे जाओ, टेलीग्राम की ऐप डाउनलोड करो, टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करने के बाद अपनी प्रोफाइल बना लो और आप चैनल सर्च करो सीए गुरुजी, ठीक है, वहां पे आपको हम सारी इंस्टेंट अपडेट्स देते हैं। ये वाला कैलकुलेटर भी शेयर हो जाएगा और जो मैंने आपको टैक्स कैलकुलेटर दिखाया है ये भी शेयर हो जाएगी शीट और टैक्स कैलकुलेटर भी, इससे आप फटाफट अपना टैक्स कैलकुलेट कर पाओगे। जैसे कि मैं यहाँ ना डालती हूँ, राम की सैलरी की बात करते हैं, इसकी सैलरी 15,50,000, जैसे ही मैंने इसकी यहाँ पर इनकम डाली है तो इसने बता दिया कि राम को ओल्ड रिजीम के हिसाब से और नए रिजीम के हिसाब से कितना टैक्स देना पड़ेगा। अब आप कहोगे कि मैम अभी अभी आपने नए रिजीम के हिसाब से 15,50 पे ना टैक्स निकाला, वो 1,50,000 आ रहा था, उसमें 4% का एजुकेशन सेस और एड कर लो। मैं बता देती हूँ आप यहाँ पे, ये जो 1,50,000 निकला ना इसमें प्लस 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एड होना है, तो ये आ जाएगा 1,56,000। क्लियर हो गया आपको क्यों यहाँ पर कैलकुलेटर में 1,56,000 नए रिजीम का टैक्स आया। तो कैलकुलेटर ने बता दिया कि अगर आप कोई भी सेविंग नहीं करते हो तो ओल्ड रिजीम के हिसाब से आपका टैक्स 2,73,000 बन रहा है और नए रिजीम के हिसाब से 1,56,000, यानी आपको नए रिजीम में बेनिफिट है। तो ये कैलकुलेटर फटाफट आपकी कैलकुलेशन बता देगा, यहाँ अपनी डेट ऑफ बर्थ वगैरह भी डाल लेना ताकि सीनियर सिटीजन का इम्पैक्ट भी ये कवर कर सके। वैसे नए रिजीम में सीनियर सिटीजन के लिए या नॉर्मल सिटीजन के लिए कोई भी डिफरेंस नहीं है टैक्स स्लैब में। अब मैं आपको ले आई हूँ मेमोरेंडम पे, अब यहाँ से बिल्कुल क्लैरिटी हो जाएगी आपको। इन्होंने देखिए नया स्लैब बताया विद इफेक्ट फ्रॉम असेसमेंट ईयर 24-25, ये है रेट, ऑलरेडी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। इसी में बताया कि वैसे तो नए रिजीम में कोई भी एग्जम्पशन और डिडक्शन अलाउ नहीं होती है, बट इस बार से स्टैंडर्ड डिडक्शन अलाउ कर रहे हैं ये, ठीक है। कौन सी स्टैंडर्ड डिडक्शन, जो सेक्शन 61A की है, और साथ ही एक और डिडक्शन अलाउ कर रहे हैं फैमिली पेंशन की, जो है सेक्शन 57 के क्लोज 2A में, और एक और डिडक्शन अलाउ कर रहे हैं डिपॉजिट इन द अग्निवीर कॉर्पस फंड एज प्रपोज्ड टू प्रोवाइड इट अंडर सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 80CCH। ये 3 नई डिडक्शंस इस बार नए रिजीम के लिए अवेलेबल करा दी गई हैं। तो अब आपको 52,500 और 50,000 में कंफ्यूज नहीं होना, डिडक्शन 50,000 की ही है। अगर आपको अब ये कंफ्यूजन दूर हो गई है कि कितनी है स्टैंडर्ड डिडक्शन, तो कमेंट में यस लिख देना। अब डिस्कस करते हैं हमारे कोर्सेज के बारे में। अभी हमने नया अकाउंटिंग कोर्स लॉन्च करा है आप सभी की रिक्वेस्ट पे, और ये बहुत ही पॉपुलर हो गया ऑलरेडी, इसमें बहुत सारे पर्सन एनरोल कर चुके हैं, ये प्री बुकिंग में है, बहुत सारी वीडियोस इसकी बन चुकी हैं, कुछ प्रोसेस में है, और बहुत ही पॉकेट फ्रेंडली कोर्स हमने आपके लिए लॉन्च करा है। साथ ही हमने TDS एंड TCS कोर्स प्रोवाइड कर रखा है, अगर आप अपनी खुद की कंसल्टेंसी स्टार्ट करना चाहते हैं TDS TCS में, क्योंकि एक अलग ही फील्ड है,
प्रैक्टिस का, तो वो आप इस कोर्स को लेने के बाद बिल्कुल कर सकते हैं। टीडीएस ऑन प्रॉपर्टी एक अलग ही टॉपिक हो जाता है। बहुत से पर्सन प्रॉपर्टी को सेल या परचेज करते हो, कंफ्यूज होते हैं टैक्स में ना टीडीएस में, तो इस कोर्स का आप बेनिफिट लीजिए, बिल्कुल ही मिनिमम प्राइस पे अवेलेबल है। देन 3B रिकंसिलिएशन विद 2B, ये कोर्स आपके लिए अवेलेबल कराए, क्योंकि रिकंसिलिएशन जीएसटी में अब इतने इंपॉर्टेंट हो चुके हैं, आप इन्हें मिस नहीं कर सकते। तो लाइव 3B फाइलिंग है विद प्रॉपर 2B वर्सेस 2A रिकंसिलिएशन, और बहुत ही मिनिमम कोर्स पे अवेलेबल है। सिर्फ रिको सीखना है, 3B फाइलिंग नहीं सीखनी, तो वो कोर्स अलग से अवेलेबल है। MSME पे गवर्नमेंट का फोकस है कि सभी बिजनेसमैन खुद को MSME में रजिस्टर करके MSME के बेनिफिट्स लें, ये कोर्स भी आपके लिए अवेलेबल करा रखा है हमने। देन हमारे कॉम्बो हैं कुछ, और GST इनकम टैक्स ITR TDS के कोर्सेज हैं। मेगा कॉम्बो में हमारे GST इनकम टैक्स ITR TDS एंड ऑटोमेशन ऑफ बैलेंस शीट कोर्स इंक्लूड है। इस कोर्स में बहुत सारे पर्सन एनरोल कर रहे हैं। देन ऑटोमेशन ऑफ बैलेंस शीट का कोर्स, ये क्या है? बैलेंस शीट तो आप सभी को आती है बनानी, बट आप कैसे बनाते हो? एक एक चीज को, एक एक फिगर को एक्सेल में लिंक करते हो मैनुअली। मैं कहूँ कि मेरे पास एक ऐसा तरीका है कि आपका क्लाइंट चाहे डेली आपके पास आ जाए और आपसे बैलेंस शीट मांगे, तो आप 5 ही मिनट में उसे दे सकते हो, वो यही तरीका है जो इस कोर्स में बताया गया है। बहुत सारे पर्सन ने इसका बेनिफिट लिया है। इवन आप अगर ऑलरेडी जॉब करते हो या अपना खुद का प्रैक्टिस करते हो, कंसल्टेंसी देते हो, तो ये कोर्स ना आपकी कंसल्टेंसी को, आपकी प्रैक्टिस को या आपकी जॉब प्रोफाइल को और भी इम्प्रूव कर देगा, क्योंकि इसमें ऐसे ऐसे फॉर्मूलाज डिस्कस करे गए हैं जो आपको सिर्फ बैलेंस शीट के लिए ही नहीं और भी कई चीजों के लिए काम आएंगे। तो इस कोर्स का ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट लीजिए। कुछ और भी कॉम्बो अवेलेबल करा रखे हैं हमने, तो आप यहाँ पे आके चेक कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत है तो हमारी टीम के नंबर दिए हैं, ईमेल आईडी दी है, इनके साथ आप बात कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।